जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल यू सेंटर में। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के एक और जानदार प्रश्न को देखने वाले, जिसका नाम है संयोजन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। जी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहा है आपको। 10th से लेकर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको खूब बहुत देखने को मिलेगा, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तबकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन, और फटाफट ऐसे समझाने वाला जिससे आपकी पूरी खोपड़ी है ना इसमें जाकर सेट हो जाएगा और दिल से निकलेगा और दिल तक जाकर सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक यौगिक परस्पर क्रिया करके एकल अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, एकल यौगिक बनाते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार प्यार से धीरे धीरे समझिएगा। दो या दो से अधिक यौगिक परस्पर संयोग करके जब एकल यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, तो इसका एग्जाम्पल जैसा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक अलग तत्व है और ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। जब ये दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो जल बनता है। यह दो तत्वों के मिलने से एकल यौगिक बना, इसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, C+O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऐसे C+O2 दे के पूछेगा CO2 किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम, मुझे विश्वास है कि आप सही से सोल्व करके आइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।